हाथरस में 121 लोगों की मौत ने देश को झकझोर दिया। उन सभी परिवारों में आज मातम पसरा है। बाबा किस तरीके से अपने भक्तों को तड़पता मरता छोड़कर भाग निकला था, वो वीडियो सामने आया है। बाबा की कॉल डिटेल सामने आए हैं, लास्ट लोकेशन का पता चला है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस को बाबा का पता क्यों नहीं चल पा रहा। आखिर कहां छुप गया बाबा नारायण साकार? यूपी पुलिस को बाबा मिलता क्यों नहीं? बाबा की कॉल डिटेल्स मिल गई, बाबा क्यों नहीं मिल रहा? बाबा पर किसने रखा है 51,000 रुपए का इनाम? 52 घंटे से ज्यादा हो गए, बाबा कहां फरार? बाबा यूपी में ही छुप गया या फिर कहीं और भाग गया? सत्संग में 121 लोग मर गए और बाबा 9 तो 11 हो गए। हाथरस में बाबा के सत्संग में जिस तरह से लोग कुचल कुचल कर मर गए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए उसके भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। उस बाबा ने मरते तड़पते बिलखते कुचलते भक्तों को पलट कर भी नहीं देखा। और तो और, बाबा करीब 52 घंटे से फरार है। सवाल यही है कि आखिर बाबा कहां गया? बाबा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बाबा ने कौन से अपने आश्रम में कौन सी ऐसी गुफा बनाई है जहां तक कानून के लंबे हाथ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा कौन से रूप से भागा और कहां कहां छुप सकता है। यह है सत्संग वाले पंडाल से बाबा के फरार होने का वीडियो। हाथरस जिले में सिकंदर अराव के मुगलगढ़ी गांव से बाबा की सफेद कार पूरे काफिले के साथ निकलती है। अब सवाल यह है कि बाबा यहां से कहां भागा? आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा इसकी पड़ताल में जुट जाते हैं। हादसे के बाद आखिर बाबा कैसे भागा, हम आपको सीसीटीवी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भगदड़ वहां 2 तारीख को मची, उसके बाद बाबा वहां से भागने की तैयारी करता है। ये अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, ये ब्लैक कैट कमांडोज आप देख पा रहे हैं, ये बाबा की पूरी आर्मी है। ब्लैक कैट कमांडोज निकल रहे हैं एक के बाद एक बाइक पर, ये देखिए। और उसके बाद अब ये बाबा का काफिला दिखाई देगा, जबकि डिवाइडर पर बाबा की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर, ये सफेद गाड़ी में बाबा यहां से ही निकला। ये पूरा बाबा का काफिला है। हादसे के बाद कि ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जिसमें जब भगदड़ मचती है तो बाबा यहां से फरार हो जाता है। पहले हमने आपको ब्लैक कैट कमांडोज दिखाया, उसके बाद बाबा जो व्हाइट कलर की गाड़ी है उसमें बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये भी समझने की कोशिश करिए कि बाबा का जो पूरा सिंडिकेट है वो कैसे काम करता है। डिवाइडर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो लोग दिखाई देंगे, ये बाबा की आर्मी है। यानी बाबा का काफिला जब भी गुजरता था, पहले आर्मी सड़क पर कुछ इस तरीके से तैनात हो जाती थी सेफ पैसेज देने के लिए। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये जो बाबा की आर्मी के लोग हैं, कमांडोज के लोग हैं, ये हाथ में डंडा लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो लोग हैं ये भी बाबा के लोग हैं। पहले ब्लैक कैट जो कमांडोज है बाबा के, वो टीम के, वो निकलते हैं बाइक पे, उसके बाद पीछे पीछे जो बाबा है वो बाबा का काफिला निकलता है। और टाइम देख लीजिए, तकरीबन 1:42, यानी 1:40 पर जो क्राइम सीन है वहां से बाबा निकलता है। पहले जो ब्लैक कैट कमांडोज है वो निकलते हैं, उसके बाद सड़क पर कुछ इस तरीके से जो बाबा की आर्मी है वो तैनात हो जाती है, वो साइन होता है कि जो बाबा का काफिला है वो निकलने वाला है। उसके बाद ब्लैक कैट कमांडोज वो निकलते हैं, और उसके बाद जो बाबा का काफिला है जिसमें सफेद रंग की कार हमने आपको दिखाई, उसमें बाबा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही काफिला निकलता है, ये जो बाबा की आर्मी है देखिए डिस्बर्स हो गई, यहाँ पर आसपास लोग चले गए। तो ये हादसे के बाद की सीसीटीवी की तस्वीर है जिसमें साफ पता चलता है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, 121 लोगों की जानें चली गई और क्राइम सीन से जो बाबा है वो फरार हो गया। बाबा दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकलता है। दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से बात करता है। आपको बता दें कि बाबा फोन पर मधुकर से 2:17 तक बात करता है। बाबा के फोन की लोकेशन 3:00 से 4:35 तक मैनपुरी की आ रही थी। बाबा ने 3 और फोन नंबरों पर बात की। सबसे पहले महेश चंद नाम के शख्स से बाबा ने 3 मिनट तक बात की, फिर भोले बाबा ने संजू यादव नाम के शख्स से 40 सेकंड तक बात की, और उसके बाद बाबा ने मधुकर की पत्नी रंजना के नंबर पर 11:33 तक बात की। इसके बाद शाम को 4:35 से अब तक बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मौका वारदात से 1:40 पर बाबा गायब हो गया था। गायब होने के दौरान उसने मुख्य आरोपी
देव प्रकाश मधुकर से फोन पर बातचीत की थी। 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। उसके बाद बाबा कहां गया, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर कहां गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। यानी बाबा की लास्ट लोकेशन यूपी के मैनपुरी में थी। कॉल डिटेल्स अब आ चुकी हैं, इसलिए आज तक की टीम सीधे मैनपुरी के उस आश्रम तक पहुंच जाती है जहां बाबा अपने सत्संग में 121 लोगों को मरता छोड़कर पहुंचता है। लेकिन बाबा के आश्रम में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। मैनपुरी आश्रम के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन पुलिस कहती है बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहां पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में सवा घंटे नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहां पर वो 40-50 की संख्या में लगभग ना रहे। सवा घंटे तक वहाँ पे सीनियर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। ना अंदर नहीं है, न कल थे ना आज हैं। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम, अरे भाई कर रहा हूँ, आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई ना, 1.25 घंटा ऐसा क्यों है? हम अंदर 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 गए नहीं है, कहाँ से कर रहे हैं आप दोस्ती कर रहे हैं? न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे, हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब बाबा की लास्ट लोकेशन मैनपुरी में थी तो फिर बाबा को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? सवाल ये भी है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे की जांच के सख्त निर्देश दिए थे तो फिर पुलिस ने बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में सीधे धावा क्यों नहीं बोला? जैसा कि पुलिस कह रही है कि बाबा अंदर नहीं है, तो फिर बाबा गया कहां? ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या बाबा मैनपुरी वाले आश्रम से फरार हो गया? सवाल ये भी है कि बाबा को मैनपुरी वाले आश्रम से भगाने में किसने मदद की? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा फरार है और उसका मुख्य सेवादार भी फरार है। पुलिस ने 1,00,000 रुपए इनाम की घोषणा की है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ढूंढ नहीं पा रही या ढूंढना चाह नहीं रही है। इस बीच 121 जो मौतें हुई उससे दुखी बिहार के एक संगठन ने बाबा को खोज कर लाने वाले के लिए इनाम की घोषणा कर दी। बाबा मैनपुरी वाले आश्रम से आखिर कहां भागा? क्या बाबा ने छुपने के लिए कोई रहस्यमय गुफा बनाई है? बाबा नारायण साकार हरी बाबा की तलाश में आज तक के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव कानपुर के गांव में एक और आश्रम में पहुंचते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं बाबा यहां तो नहीं छुपा है। कहानी सबसे बड़ी यह है कि बाबा आखिर कहां फरार है, आज तक इस पड़ताल को करने ग्राउंड जीरो पर कानपुर पहुंचा है और इस आश्रम में तफ्तीश कर रहा है, लेकिन अभी तक बाबा के इस तरह के कोई प्रमाण यहां पर नहीं मिले हैं। उससे बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा मैनपुरी में है या बाबा कहीं और निकल गया, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आज तक की टीम ने सिकंदर राव से लेकर मैनपुरी तक, नोएडा से लेकर कासगंज तक और आगरा से लेकर संभल तक बाबा को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाबा है कि मिलता ही नहीं है। पटना में तो बाबा का पता बताने वालों को इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बैनर लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है लापता लापता, तूने कर दी बहुत बड़ी खता और तुम हो गए हो लापता, जो खोज कर देगा पता उसे मिलेगा 51,000 टका। जो हत्यारा बाबा है उसे जो भी लोग खोज के लाएगा सूचना देगा उन्हें 51,000 रुपए का हम लोगों ने इनाम रखा है। त्वरित जो खोज के लाएगा उसे 51,000 रुपया दिया जाएगा। एक तो पुलिस बाबा का पता नहीं लगा पा रही है, दूसरा बाबा के खिलाफ पुलिस कोई FIR भी दर्ज नहीं कर पा रही, तीसरा बाबा के सबसे करीबी और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को भी नहीं खोज पा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1,00,000 की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1,00,000 का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, या किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, सिकंदरा राव, आज तक। पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को पकड़ा है, टीमें कई और लोगों से पूछताछ कर रही है। बाबा के कई गुमनाम ठिकाने हैं, छिपे हुए ठिकाने हैं और ऐसे में हम उस रहस्य लोक का सच आपको दिखाते हैं। बाबा के सत्संग में मोबाइल की नो एंट्री। बाबा के आश्रम में नहीं लगा है CCTV। प्रवचन के वीडियो को रखा जाता है गुप्त। बाबा के अमृत वाले प्रसाद का माया जाल।
विश्राम गृह में बाबा की गुप्त साधना का सच। बाबा नारायण हरि के महल का रहस्य लोग। ये तस्वीरें बाबा नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ सूरजपाल जाटव की हैं। जैसे जैसे बाबा नारायण हरि के आश्रमों से सच बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे बाबा को लेकर रहस्य और भी गहराता जा रहा है। सवाल यही है कि बाबा नारायण साकार हरि ने अपने इर्द गिर्द एक रहस्य लोक क्यों बना रखा है? क्यों बाबा के आश्रम, जिसे विश्राम गृह कहा जाता है, वहां ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे झांकने की इजाजत किसी को नहीं? क्यों देश भर में बने नारायण साकार हरि के आश्रमों में CCTV लगाने पर पाबंदी है? क्यों बाबा के महलनुमा आश्रमों के अंदर मोबाइल की नो एंट्री है? आखिर दुनिया की नजरों से नारायण साकार हरि क्या छिपाना चाहते हैं? बाबा के रहस्य लोक का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता संतोष शर्मा मैनपुरी के इसी महलनुमा आश्रम में पहुंचे। आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। यहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आश्रम के अंदर जाने की इजाजत तभी मिलती है जब बाबा का ऑर्डर मिलता है, यानी बाबा के परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। रामपाल से नारायण साकार हरि बने भोले बाबा अपने किसी भी सत्संग में किसी भी भक्त को मोबाइल नहीं ले जाने देता था। इतना ही नहीं, बाबा के पूरी आलिशान कोठी में कहीं पर भी CCTV नहीं लगा है। जो बाबा अपनी सुरक्षा के लिए अपने निजी ब्लैक कैट कमांडो सेवादारों को ब्लैक कैट कमांडो की तरह रखता था, अपने भक्तों को अपने पैर तक नहीं छूने दे, जो अपने पैरों की धूल को कहे कि मेरी चरण रज लेकर के चले जाओ, वो बाबा अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से ब्लैक कैट कमांडो रखे, लेकिन अपनी इस आलिशान कोठी पर कोई CCTV नहीं है। ये मैनपुरी की कोठी, आपको कहीं पर भी CCTV नजर नहीं आएगा। अमूमन ऐसी जगहों पर ये किले में जो कोठियां होती हैं, वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से, और वैसे भी ये सुनसान इलाका है, एक आसान हो जाता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से के लोगों पर नजर रखी जा सके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन बाबा ने यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी गेट पर सिक्योरिटी के कोई नहीं रखा है, ना कोई CCTV है, ना कोई भी सुरक्षा को लेकर के, यानी कि आर्टिफिशियली वो कहीं पर भी अपने आने जाने वालों पर नहीं चाहता कि लोग नजर रखें कि उससे कौन लोग मिल रहे हैं कौन लोग नहीं मिल रहे हैं। करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री है, लेकिन बाउंड्री के अंदर क्या होता है, बाउंड्री के अंदर बाबा का संसार कैसा है, ये सच सिर्फ और सिर्फ बाबा और उनके राजदारों तक सीमित है। पूरे इलाके में बाबा के महलनुमा आश्रम को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। दबी जुबान से यही बताते हैं कि बाबा अपने आश्रम में बेहद गुप्त तरीके से ही कुछ लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो क्यों मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये किसी रहस्य से कम नहीं। यानी बाबा किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इसे पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। ऐसा सिर्फ मैनपुरी के इस आश्रम में ही नहीं है, बाबा के दूसरे आश्रमों के बाहर भी हमेशा कड़ा पहरा होता है, दरवाजे पर ताला लगा रहता है। बाबा जब आते हैं तो ताला खुलता है, बाबा जैसे ही अंदर जाते हैं ताला बंद हो जाता है। अंदर बाबा बाहर ताला, ये खेल क्या है? इलाके के लोगों के लिए भी ये किसी रहस्य से कम नहीं। यहां तक कि आश्रम के बाहर तैनात सेवादारों को भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं होती। मैं इस समय पर मैनपुरी के बिछिया इलाके में जो आश्रम है साकार हरि का, वहां पर मैं मौजूद हूँ। पहले आपको आश्रम के वो रास्ते से शुरुआत करते हैं। ये रास्ता देखिए, पूरा एक नेशनल हाईवे जो अलीगढ़ की तरफ जाता है, उस हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी पर ये बड़ा फार्म हाउस कहा जाए, आश्रम कहा जाए, कोठी कहा जाए, महल कहा जाए, वो तैयार किया गया है। और ये करीब 4 से 5 साल पहले ही यहाँ पर आश्रम आया है। और ये रास्ते पर हमने दिखाया कि रंगोली सजाई गई है, ये गोल्डन कलर का गेट है, उस पर सीधे लिखा हुआ है नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। ये इस तरीके से गेट है, गेट को पूरी तरीके से लॉक किया गया है। अंदर है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं है? नहीं, नहीं तो फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है, ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे।
संतोष शर्मा मैनपुरी आज तक।